हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे आप सिंगिंग लाइन में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आपके पास कोई व्यवस्था या सिस्टम नहीं है रियाज करने का, तो उस विषय पर डिपेंड करता है। मैं सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप आराम से रियाज करके और अच्छी गायकी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। और आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, आप जिस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं एक दिन के अंदर आपके पास वो वीडियो पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, चलते हैं मैटर की तरफ। जैसे कि मैंने ढेर सारे सिंगरों से मिला और बहुत ढेर सारे सिंगर हमसे मिले भी, तो ज़्यादातर उनके पास समस्या होती है कि देखो, गाने तो चले आते हैं, गाना गाने वहाँ से चले आते हैं, लेकिन जब स्टूडियो में गाने जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हम कैसे गाएं। और गाते भी हैं, जो उनकी तैयारी होती है उस हिसाब से गाते हैं, लेकिन परफेक्ट चीज़ वो लेकर नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास सुविधाओं का अभाव होता है। इसीलिए वो अपने सिंगिंग लाइन में प्रॉब्लम को झेलना पड़ जाता है उनको। तो दोस्तों, उसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडियो में गाना गाने जा रहे हो, यानी कि जो गाना आप आज गाओगे, क्या उस पर कभी फोकस किया, कभी तैयारी की, कभी उसका रियाज किया? रियाज बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर आप रियाज करके गाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप रियाज करके नहीं गाते हो तो फिर तो आपका गाना पिट ही जाएगा क्योंकि आप गा नहीं पाओगे ढंग से और म्यूजिक कंपोजर उसी हिसाब से एडिट करके आपको दे देगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं कुछ सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जो सबके लिए इजी होता है और ज्यादातर समस्या होती है भोजपुरी सिंगरों के पास कि उनके पास रियाज करने का कोई सिस्टम नहीं होता। तो दोस्तों, अगर रियाज का सबसे बड़ा साधन तो भाई हारमोनियम है। अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप अच्छी तरह से उस पे रियाज कर सकते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम और ढोलक के साथ, इस पे बहुत अच्छा रियाज आपका होगा। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है, पॉइंट की बात है और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप गाना गाने जाने वाले हो कम से कम 15 दिन बाद, तो 15 दिन से पहले ही, जैसे गाना गाने जाने से 15 दिन पहले ही आप जो गाने गाने को स्टूडियो में जाओगे तो उसका रियाज होना चाहिए। यानी कि आप उस गाने को इतनी बार रट लो, इतना गा लो जैसे आपको स्टूडियो में गाना है, किसी खुली जगह पे जाकर उसे फुल माइंड खोलकर दिल से गाइए कि इस गाने को मैं स्टूडियो में गाऊंगा और ये समझ लीजिए कि मैं स्टूडियो में इस चीज़ को गा रहा हूँ। कम से कम 15 दिन पहले जब उस पे आप जबरदस्त लगातार सुबह शाम जो है गाते रहोगे, उसको 2-4 गाने हैं, 10 गाने हैं, कितने भी हैं, उसको जब आप बार बार गाते रहोगे तो आपके माइंड में वो फीड हो जाएगा। जब आप स्टूडियो में गाओगे, आपके सामने जो है माइक होगा और जब गाओगे तो वो चीज़ निकल कर आएगी आपके पास खुद, क्योंकि आपको दबाव नहीं डालना पड़ेगा। और जब आप स्टूडियो में माइक के सामने खड़े होते हो तो आपके ऊपर दूसरे टाइप का प्रेशर होता है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप जब उस पर ज़बरदस्त रियाज करके और गाने को ढंग से याद करके भलीपूर्ण आपको आता हो, ऐसा होना चाहिए, तो ये सब होने के बाद में आपको बहुत अच्छा सिंगिंग करने का जो है मौका मिलेगा। आप अच्छे से गा पाओगे, आपका मैटर में निखार आएगा, आपके गाने में निखार आ जाएगा और ढंग से गा ले जाओगे पूरे गाने, कोई शब्द गड़बड़ नहीं होगा। तो यही सब है, आप रियाज जबरदस्त कीजिए, उस गाने को बार बार गाइए, कभी भी मौका मिले गुनगुनाइए, फुल माइंड में गुनगुनाइए, फुल दिमाग में जो है लेकर गुनगुनाइए, उसको बैठाइए अपने माइंड में कि हम स्टूडियो में गा रहे हैं। कम से कम 15 दिन, 1 महीने पहले आप जो 2-4-10 गाने हैं अगर गाते रहोगे तो वो भली भांति आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आपका गाना जो है गाने में आसान हो जाएगा। और ढेर सारे रियाज होते हैं, दोस्तों के साथ गाओ, जैसे ड्यूट गाने हैं तो उनके साथ रियाज करो, ढेर सारे रियाज हैं। सबसे ज़्यादा फोकस करने योग्य है कि आप उसको ध्यान से रट लो, जिस लय में गाना है उसको पकड़ रखो, उसी हिसाब से आप स्टूडियो में डमी दो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।